हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। और साथ ही साथ हम लोग पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन को इस परसेंटेज से सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। सो गाइस, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है, बिकॉज मैं यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। एंड गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप डाउनलोड करना चाहें तो 9xbuddy.com से आप हमारे वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कोई सा भी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का भी। एंड माई सेल्फ अमित, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन टाइम एंड वर्क विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। नाउ गाइज, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट्स, देयर इज़ अ लीकेज विच कैन इम्पिटी इट इन 60 मिनट्स, इन हाउ मैनी मिनट्स टैंक कैन बी फिल्ड। नाउ इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि कोई टंकी है, ए उसको फिल कर देती है 20 मिनट्स में, हाँ 20 मिनट में उसको भर देती है, बट एक लीकेज होता है जो कि टंकी को खाली कर दे रहा है 60 मिनट्स में। तो बताओ कि हाउ मैनी मिनट्स टैंक कैन बी फिल्ड, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस हमारा पाइप एंड सिस्टम का है गाइस, और हम लोग पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। और हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन को हम लोग कितनी ईजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर रहे थे परसेंटेज से। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को भी दिखा रहा हूँ कि हम लोग पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन को भी परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इफिशियंसी ऑफ फिलिंग पाइप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफिशियंसी ऑफ फिलिंग पाइप, मतलब कि जो पाइप फिल कर रहा है, जो पानी भर रहा है, उसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो एक इफिशियंसी क्या होगी, क्योंकि ए 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, तो हम इसका देखना चाहते हैं कि वो एक मिनट में कितना पानी भर रहा है। और टोटल टोटल देखिए, यहाँ से एक क्या है 20 मिनट में इसको भर रहा है, बात समझिएगा। तो हमें इसका निकालनी है इफिशियंसी, कि ये पर मिनट कितना पानी भर रहा है टंकी में। तो इफिशियंसी कैसे निकालते, वो तो आपको पता ही है कि 100% टोटल होगा डिवाइड बाय 20। तो नाउ दिस इज 5%, मतलब कि क्या हुआ कि जो इफिशियंसी ऑफ ए है वो 5% है पर मिनट, कि एक मिनट में जो पाइप ए है फिलिंग पाइप, वो 5% पानी भर रहा है टंकी में। अब देखिए, क्वेश्चन में दूसरा दे रखा है कंडीशन कि यहाँ पे पानी इम्पिटी हो रहा है ड्यू टू लीकेज। तो हम लोग लीकेज के भी इफिशियंसी निकाल देते हैं कि पर मिनट कितना पानी निकाल रहा है। सो नाउ गाइस, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इफिशियंसी ऑफ लीकेज पाइप। इट मीन्स यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं। सो नाउ बी कितने मिनट में खाली कर रहा है, 60 मिनट में। तो यहाँ से निकालेंगे कि ये पर मिनट कितना पानी निकाल रहा है। तो टोटल 100% होगा डिवाइड बाय 60। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.66%। सो इट मीन्स कि जो इफिशियंसी ऑफ लीकेज है पर मिनट, वो है 1.66% पानी निकाल रहा है, और इफिशियंसी ऑफ फिलिंग पाइप है 20 मिनट, तो इसका
100% वर्क हो रहा है, लेकिन 1 मिनट, वन मिनट में कितना वर्क कर रहा है, 5% वर्क फिलिंग कर रहा है। अब नाउ गाइस क्वेश्चन पे कह रहा है इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक कैन बी फिल्ड। तो देखिए 5% तो यहाँ पे वो पानी भर रहा है पाइप ए, लेकिन 1.66% पानी निकल जा रहा है। सो गाइस इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हमें माइनस करना होगा कि टोटल पानी कितना भर रहा है पर मिनट में। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे 5% माइनस बाई 1.66, तो ये हमारा आ जाएगा 3.33%। तो गाइस जो ये हमारा आया है 3.33%, ये हमारा आया है फिल हो रहा है पर मिनट में, फिल टैंक पर मिनट। मतलब कि टैंक जो है वो 3.33% भर रहा है जब मैंने लीकेज को हटा दिया है। अब देखिए अब यहाँ से सिंपल है क्योंकि हमने टोटल निकाल लिया है कि कितना पानी भर रहा है पर मिनट में। तो हमारे पास 100% वर्क है क्योंकि टैंक को भरना है तो 100% वर्क होगा, और हमने इफिशियंसी ऑफ निकाल लिया है पर मिनट कितना पानी भर रहा है, तो डिवाइड बाय इफिशियंसी ऑफ फिलिंग पर मिनट, तो वो कितना है 3.33। सो गाइस नाउ यहाँ से सिंपली इसको कट करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 30 मिनट। सो दिस इज आवर आंसर। सो सिंपल था कि जो टंकी है वो 30 मिनट्स में फिल हो जाएगी, दिस इज आंसर। ओके सो देखा गाइस सिंपल था, हमने इफिशियंसी निकाली और लीकेज की इफिशियंसी निकाली, दोनों को मैंने माइनस कर दिया, एंड देन टोटल नंबर ऑफ वर्क 100% होगा हमारा, उसको हमसे उससे डिवाइड कर दिया और अपने आंसर्स पे आ गए। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है हमारा, अनिल कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, बाबू कैन डू द सेम जॉब इन 5 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। सो गाइस आई होप अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो प्लीज पहले पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सेल्फ विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, देन आप हमारा सोल्यूशन देखिए। सो देखिए यहाँ पे अनिल की इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अनिल कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, अनिल किसी काम को 10 दिन में करता है, तो सो इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ अनिल, तो अनिल की हम लोग यहाँ पे क्या इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी तो आपको पता ही है कैसे हम लोग निकालते हैं, सिंपली हम लोग 100 डिवाइड बाय वर्क से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो अनिल का वर्क कितना है, 10 डेज। सो यहाँ से अनिल की इफिशियंसी कितनी आ गई, अनिल की इफिशियंसी आ गई हमारा 10%। मतलब क्या हुआ कि 10% जो आया है कि अनिल किसी वर्क को एक दिन में 10% वर्क करता है, और टोटल कितना है, 10 डेज में 100% कर लेता है। इट इज़ अ पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बाबू के लिए भी निकाल लेते हैं, तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिखते हैं सिमिलरली बाबूज इफिशियंसी, बाबू की भी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, वो है कितनी है, 100 डिवाइड बाई 5, क्योंकि देखो लिखा है ना 5 डेज में कंप्लीट कर लेता है। सो नाउ इफिशियंसी ऑफ बाबू की कितनी आ जाएगी, 20%। ओके सो नाउ कंबाइन कर लेंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर, सो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कंबाइन इफिशियंसी ऑफ अनिल प्लस बाबू पर डे बिकम
यहाँ से हम लोग कंबाइंड इफिशियंसी निकाल रहे हैं बाबू एंड अनिल की, तो वो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 10 प्लस 20% तो कितना आ जाएगा 30%। मतलब कि क्या, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 30% वर्क होगा एक दिन में। सुनाओ गाइज, टोटल वर्क तो हमारे पता ही है, टोटल वर्क हमारा कितना होता है 100%। सुनाओ, दिस इज टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी ऑफ अनिल एंड बाबू। तो अनिल एंड बाबू कितना वर्क कर रहे हैं, 30। सुनाओ, इसको हम लोग कट कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 3.33 डेज में। सो दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ से ऑप्शन बी इज राइट। ओके, सो देखा गाइस कि हमने यहाँ पे टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी एंड कैन कंप्लीट अ जॉब 30 डेज बिफोर बी, इन हाउ मच दे कैन कंप्लीट द जॉब टुगेदर। अब सिंपली यहाँ से हम लोग ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ डेज इट मीन 100% से डिवाइड करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, हमारा ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 30 मिनट्स है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट बिफोर बी में कंप्लीट कर लेता है, तो वो ए के लिए है। तो यहाँ से ए की क्या हो गई, 30 मिनट वर्क कंप्लीट कर रहा है और बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 60 मिनट। ये बात क्लियर हो गई आपको, क्योंकि ये ट्वाइस एफिशिएंट है। सो नाउ गाइस, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर ए किसी काम को 30 मिनट में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी पर डे के, तो एफिशिएंसी ऑफ ए Efficiency of A हमारी कैसे निकलेगी, वो हम लोग 100 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.33%। सेम एज इट इज हम लोग इफिशियंसी ऑफ B की भी निकाल लेते हैं, तो B की इफिशियंसी भी वही 100 डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1.66%। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच दे कैन कंप्लीट अ जॉब टुगेदर, मतलब कि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इनकी जो ये एफिशिएंसी हमने निकाली, ये टोटल ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी पर डे की, तो 3.33 प्लस 1.66 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये डायरेक्टली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एंड बाबू कैन डू अ जॉब इन 8 डेज, बाबू एंड चरण कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, अनिल बाबू एंड चरण कैन डू द जॉब इन 6 डेज, इन हाउ मैनी डेज अनिल एंड चरण कैन कंप्लीट द जॉब। सो गाइज, यहाँ से हमें अनिल और चरण का हमें कंप्लीट वर्क दिखाना है, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे अनिल एंड चरण तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इफिशियंसी सब के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालेंगे, तो पहला निकालते हैं हम लोग अनिल प्लस बाबू, तो यहाँ से हम लोग अनिल और बाबू की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। सो गाइस, अनिल प्लस बाबू, यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो ये किसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं। सुनाओ गाइस, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 8, तो ये पर डे कितना वर्क करेंगे, अगर हम लोग 100 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये वर्क करेंगे 12.50%। ओके, सेम एज इट इज हम लोग निकाल लेते हैं बाबू प्लस चरण की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये कितना काम कर रहे हैं एक दिन में वो निकालना है हम लोगों को, तो टोटल वर्क तो ये 12 डेज में कर ले रहा है, तो हम लोग यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी 100 डिवाइड बाय
12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.33%। एंड देन फिर लास्ट हमारा क्या है, अनिल प्लस बाबू प्लस चरण, ये तीनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं 6 डेज में। तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से इनकी कंबाइंड इफिशियंसी आ गई हमारी 16.66%। सो गाइस, अब हमें हमें यहाँ पे फाइंड करना है अनिल प्लस चरण को, हमें फाइंड करना है कि ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे। सो देखिए, अब हम लोग दोनों की, अनिल और चरण की अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे, ऐड कर देंगे और 100 से वो इफिशियंसी डिवाइड करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो गाइज देखिए, अब पहले हम लोग यहाँ पे अब चरण की इफिशियंसी निकालते हैं, ये हम चरण की इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो देखिए इस केस में, देखिए अनिल, चरण और बाबू तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, जिसकी इफिशियंसी आई है 16.66। ओके, एंड देन अगर हम लोग यहाँ से अमित और अनिल एंड बाबू की इफिशियंसी माइनस कर दें तो हमारे पास चरण की इफिशियंसी आ जाएगी। गॉट इट? सो देखिए, अब हम लोग चरण की इफिशियंसी यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो चरण की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अनिल प्लस बाबू प्लस चरण की इफिशियंसी को माइनस करेंगे इन कंबाइंड इफिशियंसी को, अनिल प्लस बाबू की। सो यहाँ से इनकी इफिशियंसी कितनी है, यहाँ से इफिशियंसी है इनकी 16.66% माइनस 12.5%। तो यहाँ से इसको जब माइनस कर देंगे तो इफिशियंसी हमारी आ जाएगी चरण की, तो कितना आ जाएगा, 4.16। जो ये 4.16 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चरण है अगर अकेले काम करेगा तो वो 4.16 वर्क करेगा परसेंट पे। सेम अब हम लोग अनिल का भी निकाल लेते हैं, तो अनिल की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अनिल की इफिशियंसी हम लोग अनिल बाबू चरण में से माइनस करेंगे। सो गाइस यहाँ से देखिए, हम लोग अनिल की इफिशियंसी निकाल रहे हैं, तो अनिल प्लस बाबू प्लस चरण, इनकी कंबाइन इफिशियंसी से हम लोग बाबू प्लस चरण की इफिशियंसी माइनस करेंगे तो एक इफिशियंसी हमारी आ जाएगी अनिल की। तो यहाँ से देखिए, इनकी कंबाइन इफिशियंसी हमने निकाली थी 16.66 माइनस 8.33। तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा ये इफिशियंसी आ जाएगी, अनिल की इफिशियंसी आ जाएगी 4.8.33%। सो गाइस देखिए, अब हमारे पास अनिल और चरण की दोनों इफिशियंसी आ गई। अब हम लोग इनको ऐड कर लें, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही कर रहा है कि अनिल और चरण काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इन दोनों की इफिशियंसी को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। तो इसकी अनिल और चरण की इफिशियंसी को हम लोग कंबाइन करते हैं, इट मीन्स प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12.5%, ये और ये हमने ऐड कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास कितना आया, 12.5%। सो गाइस, अब बस हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इफिशियंसी ऑफ अनिल और चरण की निकाल ली है। सो गाइस, टोटल वर्क कितना होगा, 100% वर्क होगा, और डिवाइड बाय अनिल और चरण की इफिशियंसी को हम लोग डिवाइड करेंगे 12.5। तो गाइस अब देखिए, यहाँ से ये डायरेक्टली कट जा रहा है, तो ये डायरेक्टली कट के कितना आ जाएगा हमारा, 8 डेज। दिस इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर आ गया है 8 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। सो गाइस देखा, सिंपल था, बस अगर आपकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, एज वेल एज पाइप एंड सिस्टम वर्क।
के प्रॉब्लम को भी हम लोग बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके एग्जाम में अगर इस टाइप के नंबर्स में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि हम क्या परसेंटेज से भी इन क्वेश्चन को बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, यही इजीली मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया है कि हम लोग परसेंटेज से भी बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। सो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी धीरे धीरे, और एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ें रिवीजन करने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी से अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं हमारे वीडियोस का, तो आपको हेल्प मिलेगी जब आप एग्ज़ाम रिवीजन टाइम में जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। ओके, सो प्लीज़ जितने भी मैं आपको यहाँ पे नोट्स बना के दे रहा हूँ क्वेश्चंस का, उनका आप एक फेयर नोट ज़रूर बनाइए अपने पास, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वीडियोस को फिर से देखें, सो प्लीज़ नोट ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। ओके, नाउ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गाइस, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। एंड अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक दे रखा है अपने फेसबुक ग्रुप का। सो प्लीज़ गाइस, कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।